क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है कि मान लीजिए सीपी दिया हुआ है कि सीपी ऑफ 100 पेन इज इक्वल टू 200 रुपीस, तो 100 पेन मिलते हैं 200 रुपए के, तो एक पेन कितने का मिलेगा? 2 रुपए का। अब वो चाहता है कि हमारे टोटल 20% का फ़ायदा हो, 20% का, तो एसपी कितना होना चाहिए, कितना बिकना चाहिए? तो 200 का जो 20% निकाल दो, इसमें ऐड कर दो, तो 240 रुपये का अगर ये सारे पेन बिक जाएं, ठीक ना, तो उसे 20% का फ़ायदा होगा। तो 200 का 20% हमने निकाल दिया, तो ये हो गया। इस फार्मूले को तुम वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं निकालता था कि 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है ना, वैसे भी निकाल सकते हो ऐसे भी। तो इसको अब क्या है कि वो शुरुआत के 20 पेन, ठीक है ना, 10% पे बेच देता है, तो एसपी ऑफ 20 पेन क्या होगा? तो पहले 20 पेन मिलते कितने के? 40 रुपए के। तो 40 का 10% निकाला, इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया 44 रुपए के। तो 20 पेन उसने शुरुआत के 44 रुपए के बेच दिए। अब जो बचे पेन हैं 80 रुपए, ठीक, वो उनको कितने का बेचे कि ओवरऑल उसे 20% का फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो अब जो पेन बचे हैं 80 पेन, वो कीमत उनकी कितनी है? 160 रुपये, ठीक है ना। तो वो 160 रुपये के पेन वो मान लीजिए कि एक्स परसेंट पे बेच दे, ठीक है ना, एक्स परसेंट पे। तो 160 का एक्स परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 160 इंटू एक्स अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1600, ये 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1600 प्लस 16x अपॉन 10। और इधर ये बेचेगा कितने का? भाई 44 रुपये तो वो पहले ही बेच चुका है, ठीक। अब उसे टोटल चाहिए थे उसे 240 रुपये, 44 उसमें से बेच चुका, तो अब उसे ये पेन कितने के बेचने पड़ेंगे? 196 के। इसको इसके बराबर कर दिया, सॉल्व कर दो बेटा, ठीक। जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22.5%, ठीक है ना। ये हो गया 19वां क्वेश्चन। अब 20वें क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं बेटा, 20वें क्वेश्चन के बारे में। तो हुआ ये कि उसने दो रेडियो सेट, दोनों को 2228 और 2228 के दो रेडियो उसने बेच दिए, मतलब दो रेडियो उसने बेचे, पहला बेचा 2228 का 88 का, और दूसरा भी बेच दिया 2288 का, यानी 2288 का। जबकि पहले वाले रेडियो पर उसे 10% फ़ायदा होता है, दूसरे वाले रेडियो पर 10% का लॉस होता है, यानी दोनों रेडियो की कीमत अगर हम देखें तो 2288 प्लस 2288 कितना? 4576 रुपये, 4576 रुपीज़ के आते थे। तो अब ये भैया, इसका सीपी तुम अलग निकाल लो और इसका सीपी अलग निकाल लो। सीपी निकालने का फार्मूला होता है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, और यहाँ पे लॉस हुआ तो सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ठीक है। तो भैया अब ये वैल्यू रख करके, ठीक है ना, तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका सीपी आ जाएगा 2080 रुपीज़, और इसका सीपी आएगा 2542.22 रुपीज़। अब भैया दोनों के सीपी को जोड़ लो, तो दोनों के सीपी को जब हम ऐड करेंगे तो 4622.22 रुपीज़। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें गड़बड़ है टाइप की, मतलब थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब गेन निकालो, तो गेन निकालोगे तो इसमें से, ठीक, ये जो एसपी है टोटल, ठीक है ना, सीपी चूँकि ज़्यादा पड़ रहा है, देखा जाए तो सीपी, नेट सीपी पड़ रहा है 4622 रुपीज़ का, ठीक। और जो एसपी हो रहा था, एसपी, एक मिनट, एसपी हमारा हुआ था 4576 का, ठीक, और ये हमारा देखा जाए तो नेट सीपी हुआ है हमारा 4622 रुपीज़ का। तो ये तो बेटा लॉस हुआ देखा जाए तो, ठीक है ना, ये तो लॉस हुआ है, ये लॉस होगा, ठीक है, तो ये लॉस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये लॉस ही आ जाएगा, लॉस, ये लॉस निकालेंगे, लॉस, ठीक। ये रॉन्ग हो गया बेटा थोड़ा सा, ये गेन नहीं, ये लॉस होगा, क्योंकि देखा जाए सीपी ज़्यादा का है और एसपी कम का है,
क्योंकि दोनों बेचे थे 2288 रुपये के, तो टोटल एसपी उसको मिला था 4576 रुपये। और जबकि एससीपी ज़्यादा आ रहा है, तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे निकालेंगे, लॉस आ जाएगा 46.22 अपॉन 4576 × 100। तो सॉल्व कर देंगे तो 1.01%, करीब लगभग 1% का है, तो अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर भी नहीं आ रहा। इस बार इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी क्या है, सीपी ऑफ प्लॉट 21 क्वेश्चन। सीपी ऑफ प्लॉट, एक प्लॉट है जिसकी कीमत कितनी है, 3 लाख रुपए। तो उसका एक तिहाई प्लॉट जो है बेच दिया उसने, तो एक तिहाई प्लॉट की कीमत कितनी आएगी, 1 लाख रुपए आएगी। और बाकी 2/5, 2/5, 2/5 जो है प्लॉट बेच दिया, तो उसकी कीमत कितनी आएगी, 1,20,000। अब जो बचा हुआ प्लाट है, तो 1 - 1/3 और +2/5, यानी कि जो बचा हुआ प्लाट है बेटा, वो बचा हुआ है 4/15। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये जो बचा हुआ प्लॉट है वो कितने का बेचें कि उसको जो है टोटल 10% का मुनाफा हो। अब एक्चुअली हुआ ये कि हम अगर इसकी कीमत देखें, तो 4/15 प्लॉट की कीमत कितनी होगी, 80,000। तो 80,000 का प्लॉट वो कितने में बेचें कि उसको फ़ायदा हो। तो अच्छा, शुरुआत में हुआ ये कि SPF 1/3 प्लॉट इसने क्या कर दिया, 20% लॉस पे बेच दिया। तो उसकी कीमत कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, यानी कि 1 लाख रुपए वाली कीमत के प्लॉट को 80,000 रुपये में बेच दिया था। बाद में क्या हुआ कि जो बचा हुआ 2/5 प्लॉट था उसको उन्होंने 25% गेन पर बेच दिया, तो इसकी कीमत कितनी थी, 1,20,000। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो पता लगा कि 2/5 प्लॉट जो है 25% के गेन पर उसने कितने का बेच दिया, 1,50,000 रुपये का। तो टोटल अब तक जो बिक्री कर पाया वो ये, एक तो ये 80,000 रुपये, ठीक, और दूसरा ये 1,50,000 रुपये, ठीक। तो अभी हमने ये लिखा कि टोटल रिक्वायर्ड एसपी, उसकी टोटल रिक्वायर्ड एसपी कितनी थी। अगर वो 3,30,000 का बेचे तो उसको 10% का मुनाफा होगा। तो अभी तक उसने बेचा कितना है, तो इसमें आप देखो अभी तक कितना पैसा मतलब और चाहिए उसे, तो 3,30,000 में से 80,000 और ये 1,50,000 रुपये माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 लाख। यानी जो बचा हुआ 4/15 प्लॉट है वो 1,00,000 रुपये का बेचना है उसे। तो 4/15 प्लॉट जो है ये, अच्छा आंसर केवल यहीं तक है बेटा, ठीक है ना, आंसर यहीं पर है कि जो बचा हुआ प्लॉट है वो कितने का बेचे। मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था, तो हमने ये निकाल लिया कि कितने परसेंट पे बेचे, तो हमने परसेंट भी निकाल लिया। मान लीजिए क्वेश्चन में कभी परसेंट पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। तो 4/15 प्लॉट की जो कीमत है, तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए एक्स परसेंट पे बेच रहा, तो ये कितने का बेचना है उसे, 1,00,000 रुपये का। इधर ये क्या करना है, सीपी डाल देना, तो इसकी सीपी होगी 80,000। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है ना कैलकुलेशन में, तो ये आ जाएगा X=25%। अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही, तो यहीं पर रोक रहे हैं, अगले में